अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद तस्मी। आज मैं आपको पाकोला मिल्क बनाना सिखा रही हूँ। ये कराची का बहुत मशहूर शरबत है और आपने इसे मुख्तलिफ़ जगहों पे बिकते हुए देखा होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 गिलास दूध लिया है, चीनी ली है 3 टेबल स्पून। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें चीनी की जगह पाकोला सिरप या कोई शरबत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हजमी ज़रूरत बर्फ़ चाहिए। पकौड़ा कोल्ड ड्रिंक ली है, ये हमें तकरीबन 1 गिलास चाहिए। 2 टेबल स्पून विप क्रीम ली है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहती तो इसे स्किप कर सकते हैं। ये जो विप क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ ये ऑलरेडी मीठी होती है, इसलिए मैंने चीनी कम ली है। सबसे पहले हम दूध में चीनी डालकर मिक्स करेंगे। चीनी को हमें अच्छी तरह से दूध में घोल लेना है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। दुआ है कि ये रमज़ान हम लोगों के लिए रहमत और बरकत लेकर आए और जो कोरोना की वबा आजकल पूरी दुनिया में फैली हुई है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। कोशिश करिएगा कि जब इसे सर्व करना हो उसी वक्त बनाएं, क्योंकि हम इसमें कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक की गैस ख़त्म हो जाती है, तो अगर आप इसे पहले से बना कर रख देंगे तो इसका टेस्ट बाकी नहीं रहेगा। अब इसमें बर्फ़ डालेंगे और विप क्रीम डालकर मिक्स करेंगे। इसमें तकरीबन आपके 2 गिलास बन जाएंगे। आप इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड भी कर सकते हैं। अब इसे हम ग्लास में निकाल लेंगे और ऊपर से इसमें हम पकोला कोल्ड ड्रिंक डालकर मिक्स कर लेंगे हल्का सा। पाकोला मिल्क तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।